जिस तरह से जानबूझ के, इस तरह से गाजियाबाद के जरिए या किसी और जगह से, जिस तरह से एक समुदाय को उकसाने का, भड़काने का, सड़कों पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं इसका कड़े शब्दों में जो है इसका विरोध और निंदा करता हूं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये कैसी सरकार है जिसमें कानून व्यवस्था पटरी पे नहीं आ पा रही। उनको आज राजधर्म का पालन करना चाहिए और अपराधियों पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी में जिस तरह से लगातार कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, ये फिर से जो है उसी का एक उदाहरण पेश हो रहा है। लगातार कमजोर वर्गों के लोगों पर हिंसाएं हो रही है। चार दलित समाज के लोगों की हत्या हुई जिसमें दो छोटी बच्चियां थी। फिर लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी में, एक दलित समाज के नौजवान की, अमन की जो है, अमन सोनकर की, पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई। और अब बहराइच की घटना, मुझे जिस व्यक्ति की जान गई है उसके लिए मुझे, मेरी संवेदना उसके परिवार के लिए, और जिसने ऐसा किया उस पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जिस तरह से जानबूझ के, इस तरह से गाजियाबाद के जरिए या किसी और जगह से, जिस तरह से एक समुदाय को उकसाने का, भड़काने का, सड़कों पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, और लगभग इस बार तो जो है वो सफल भी हो गए हैं कि हिंसा जो है जिस तरह की होती दिखाई दे रही है, मैं इसका कड़े शब्दों में जो है इसका विरोध और निंदा करता हूं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये कैसी सरकार है जिसमें कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही। मैं ये भी आग्रह करूंगा कि सब लोग शांति बनाए रखें, और मैं राजनीतिक दलों से भी ये कहूंगा कि राजनीतिक नफा नुकसान को ना देखते हुए सब लोगों को राजनीति से ऊपर उठ के प्रदेश की कानून व्यवस्था सही रहे इसका ध्यान रखते सब लोगों को शांति की अपील करनी चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी ये कहूंगा कि उनको आज राजधर्म का पालन करना चाहिए और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कानून व्यवस्था जो है वो बहाल हो, असुरक्षा की भावना खत्म हो और प्रदेश में और कहीं से हिंसा की आग न जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि आम जन अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अगर मुख्यमंत्री राजधर्म नहीं निभाते तो हमें मानना चाहिए कि ये सरकार का फेलियर तो है और ज्यादा उम्मीद सरकार से हम लोग नहीं कर सकते। यूपी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि पूरे प्रदेश में जंगल राज है, बहराइच में गोलियां चल रही है, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देकर मठ में वापस चला जाना चाहिए। ठीक है, ये उनका अपना निजी बयान है, मगर मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि जब धुआं उठेगा तो सवाल पैदा होंगे, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ। मुख्यमंत्री कुर्सी पे कौन है उत्तर प्रदेश? चंद्रशेखर थोड़ा ही है, योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। तो अगर उनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो रहा है तो इसकी जवाबदेही भी उनकी है। जब अच्छी बातों का श्रेय वो खुद लेते हैं तो ये जो इस तरह का अपराध हो रहा है, इस तरह की हिंसा हो रही है, तो उसका श्रेय भी उनको लेना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए कि वो बड़े बड़े दावे करते हैं कानून व्यवस्था के, आज कानून व्यवस्था कहाँ है? कौन सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? लगातार क्या बहन बेटियों पर हमले नहीं हो रहे हैं? लगातार क्या तमाम तरह से दलितों पर, मुसलमानों पर, पिछड़ों पर जुल्म नहीं हो रहे हैं? क्या लगातार नौजवानों पर जो है हमले नहीं हो रहे हैं? लगातार किसानों पर हमले नहीं हो रहे हैं? कहीं गुलदार से लोग परेशान हैं, कहीं जो है भेड़ियों से लोग परेशान हैं, लोगों की जीवन रक्षा भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार कर क्या रही है और किसके लिए काम कर रही? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है मौजूदा, उसकी संवेदनशीलता जो है वो मर गई है, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को चुकाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री राजधर्म निभाएं और सख्ती से निभाएं और जिस तरह की उद्दंडता करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें जिससे कानून व्यवस्था बहाल हो।